स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में, जहां आपके सामने खड़ी है KTM की ड्यूक 125, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। इसके डिज़ाइन लैंग्वेज को काफ़ी चेंज किया गया है पहले के मुकाबले। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस ड्यूक 125 से रिलेटेड। अब अगर कलर की बात करें तो ये आपको दो कलर्स में आती है, एक जो आप सामने देख रहे हैं ये कलर है और दूसरी वो वाइट कलर वाली है वो कलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको LED वाले DRL दिए गए हैं और यहाँ पर आपको हेडलाइट जो है वो नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको इसमें हेलोजन वाले हेडलाइट देखने को मिलते हैं। वह इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स इसमें आपको LED वाले ही मिलते हैं। अब सस्पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको WP के USD सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है। वहीं ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, जिसकी फ्रंट डिस्क की जो रोटर है इसकी साइज़ 300mm है और ये आपको ABS रिंग यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको 110x70 साइज़ का रेडियल टायर मिलता है। फ्रंट में भी रेडियल टायर मिलता है और रियर में भी आपको रेडियल टायर ही मिलता है। अब चलते हैं रियर की ओर की बात करें तो रियर में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि बीच में इस तरह से लगे हुए हैं। वहीं अगर टायर साइज़ की बात करें तो रियर में आपको 150x60 साइज़ की रेडियल टायर इसमें भी आपको मिलती है और रियर वाली जो डिस्क प्लेट रोटर है इसकी साइज़ 230mm की है। वहीं अगर टैंक की ओर देखें तो आपको टैंक जो है कुछ इस तरह के आपको डिज़ाइन वाले टैंक दिए गए हैं, जो कि काफ़ी शार्प डिज़ाइन किए गए हैं। इसके स्लॉट निकले हुए हैं जिस पर ड्यूक 125 यहाँ पर लिखी हुई आती है। अब अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस टैंक की कैपेसिटी 10.5 लीटर है। वहीं टैंक के फ्रंट में ही की होल जो है वो प्लेस्ड है। अब स्विच गियर की ओर देखें तो यहाँ पर आपको ये 5 स्विच से रिलेटेड बटन मिलते हैं और ये आपके हाई बीम और लो बीम से रिलेटेड बटन दिए गए हैं और ये आपके इंडिकेटर से रिलेटेड और ये नीचे साइड हॉर्न से रिलेटेड। राइट साइड और देखें तो ये आपको इंजन किल स्विच और ये इंजन स्टार्ट से रिलेटेड स्विच मिलते हैं और इसकी ORVM जो है वो कुछ इस तरह की आपको दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी फिनिश की गई है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो सबसे पहले हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, ये जो रैप है इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसे यूज़ करने के लिए आपको दो बटन्स मिलते हैं, ये आप मोड देख रहे हैं, ये सेट देख रहे हैं और ये कुछ वार्निंग लाइट्स मिलते हैं। जैसे अपर में इस साइड इंडिकेटर से रिलेटेड है और ये इंजन इग्निशन से और ये जो है हाई RPM पर ये लाइट ब्लिंक करती है और ये न्यूट्रल से रिलेटेड। उसी के बगल में आपको हाई बीम से रिलेटेड मिलते हैं और ये ABS से रिलेटेड दिए गए हैं और इस साइड आपको साइड स्टैंड खड़ी है, इस वजह से ये हैजार्ड की सिंबल आ रही है और यहाँ पर भी साइड स्टैंड डाउन लिख रही है। अगर आपके इसमें साइड स्टैंड गिरी हो तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होगी। अब अगर इसके अंदर की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे बार स्टाइल में ये RPM मीटर दिए गए हैं, जो कि अगर स्टार्ट करके हम आपको दिखाएं तो ये देखिएगा बार स्टाइल में RPM मीटर कुछ यहाँ तक जाते हैं और इस साइड आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलते हैं और ये आपको स्पीडोमीटर दिए गए हैं और इस साइड कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और ये साइड आपको फ्यूल लेवल इंडिकेटर और ये इंजन हीट से रिलेटेड यहाँ पर वार्निंग मिलते हैं और ये आपको क्लॉक दिए गए हैं। अब अगर इस मोड को चेंज करें तो देखिएगा ये एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन कितनी आपकी, क्या माइलेज हुई है, क्या माइलेज दे रही है, इससे रिलेटेड मिलती है और इस साइड आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 30 मिनट ये टाइम बताती है। इस साइड आपको ABS देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर, ये कुछ इसमें आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इंजन की तो ये बाइक 124.7 cc के लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है, जिसकी आप यहाँ पर रेडिएटर देख सकते हैं और इस साइड से आपकी कूलेंट जो है वो यहाँ से फिल होती है, ये कूलेंट लिखी हुई आपको यहाँ पर मिलती है। अब अगर इंजन की पावर की बात करें तो ये इंजन 14.5 PS का पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसकी एग्जॉस्ट आपको अंडर बॉडी मिलती है, ये एग्जॉस्ट जो है ये बाहर नहीं निकली हुई, आप देख सकते हैं इस बॉडी के अंडर में ही आपको इसमें एग्जॉस्ट मिलती है और स्विंग आर्म एल्युमिनियम वाले मिलते हैं ताकि बाइक की जो वेट है उसे कम से कम रखी जा सके। अब अगर रियर साइड देखें तो रियर में आपको टेल लाइट कुछ इस तरह के LED वाले मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम टाइप लगते हैं और टेल जो है इसकी यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह निकली हुई है। अब अगर सीट की बात करें तो इसकी सीटिंग हाइट 818mm की है, जो कि स्प्लिट सीट के साथ आती है और रियर साइड में यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 155mm की है और माइलेज अराउंड ये बाइक 30-35 किलोमीटर पर लीटर देती है और इस साइड आपको साड़ी गार्ड भी मिलते हैं, जो कि इंडिया में अब
कंपलसरी हो गए हैं बाइक्स वगैरह में। और इस बाइक की ओवरऑल जो वेट है वो अप्रॉक्स 141 केजी की है। साथ में अब बात बची इसकी प्राइस से रिलेटेड कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस इन पटना रुपीज़ अराउंड 1,75,300 रुपीज़ है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वायरीज हो तो आप एक्सेल ऑटो कुम्हरार से कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की जो कांटेक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ़।